अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने अपने पूरे दिन का एक प्लान बनाया, जो जो काम आपको करने हैं उन सब की एक लिस्ट बनाई और उन सभी कामों को एक एक करके एग्जैक्ट टाइम पर आपने कंप्लीट किया, एग्जैक्ट बिल्कुल उसी टाइम पर जो आपने सोचा था। अब शायद आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा कभी कभार या फिर कभी नहीं। अब शायद आपको लग रहा होगा इसके पीछे का रीजन है मोटिवेशन की कमी, प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस एक्सेट्रा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव बायस है जिसे कहते हैं द प्लानिंग फैलेसी। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस साइकोलॉजिकल बायस की वजह से ही हम ह्यूमंस की नेचुरल टेंडेंसी होती है अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करना, यानी अपनी क्षमता को बढ़ा चढ़ा के देखना। इसीलिए जब भी कोई हमसे पूछता है कि ये काम कितने टाइम में हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम में से ज्यादातर लोग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होकर आंसर देते हैं। यानी अगर किसी काम को करने में किसी को रियलिस्टिकली 2 दिन लगेंगे, लेकिन वही उस पर्सन को लग रहा होता है कि वो उसे 1 दिन में कर लेगा, उसी काम को करने में हमने जितना सोचा होता है उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ प्लान कर रहे हो, तो इस बात को ध्यान में रखना कि आप जितना हो सके उतना रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली सोचो, वरना प्लानिंग फैलेसी में फंस के आप फेल हो जाओगे, या फिर आप लोगों को कमिटमेंट कर दोगे लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा करने में फेल हो जाओगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट ऐसा है जिससे आपको रोज कई डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी और ये जिंदगी भर आपके हमेशा काम आएगा। और ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हम आपको आगे भी बताने वाले हैं जो आपके हमेशा डेली लाइफ में काम आने वाले हैं, लेकिन हम आपको अभी एक चैलेंज देते हैं। आप वीडियो एंड तक फुल फोकस के साथ देखने में पास हुए या फेल हमें कमेंट करके वीडियो के एंड में जरूर बताना। सेकंड है नंबर 2 द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। इमेजिन करो 2 पानी के बोल हैं, एक में है बर्फीला ठंडा पानी और दूसरे में है नॉर्मल पानी। अब अगर आप अपना राइट हैंड उस बर्फीले पानी में डालोगे 1 मिनट के लिए और फिर 1 मिनट बाद अब आप अपने दोनों हाथों को नॉर्मल पानी में डालोगे, आपका लेफ्ट हैंड आपको नॉर्मल फील होगा, लेकिन वही राइट हैंड को ऐसा लगेगा जैसे गर्म पानी में हाथ डाल दिया हो। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, जो कहता है कि एक खराब चीज के सामने एक एवरेज चीज भी अच्छी लगने लगती है, वहीं एक हद से ज्यादा महंगी चीज के सामने एक अच्छी खासी महंगी चीज भी नॉर्मल प्राइस की लगने लगती है। हमें 5-2% के आगे 5-7 का पर्सन ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं उस 5-7 वाले पर्सन को आप 6-2 वाले पर्सन के आगे लाके खड़ा कर दो, तो उस 5-7 वाले की वैल्यू हमारे नजरों में कम हो जाएगी। तभी तो अधिकतर लोग 10-15 हजार का फोन लेने का सोचते हैं, और लेकिन इसी कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट की वजह से वो लास्ट में 18-20 या 25 हजार तक का फोन ले लेते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का इस्तेमाल एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जैसे आईफोन, आईफोन मिनी प्रो, आईफोन प्रो मैक्स का यूज किया जाता है कस्टमर्स के साथ साइकोलॉजिकली खेलने के लिए। इसीलिए इस साइकोलॉजिकल हैक से बच के रहो, इससे आप लॉन्ग टर्म में अपने कई लाखों रुपए बचा लोगे, क्योंकि ज्यादातर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में लोग इसका यूज करके आपको फोर्स कर रहे होते हैं उनकी चीजें खरीदने के लिए। इनफैक्ट कई सारे लोग भी अपने से कम वैल्यू वाले लोगों के बीच रह के अपनी परसीव्ड वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी वैल्यू ज्यादा नजर आती है, जिसका यूज वो अपने फायदे के लिए करते हैं। नंबर 3 यू मस्ट नेवर डिसएग्री। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक तो हम खुद भी अपनी डेली लाइफ में करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, और हमारे अकॉर्डिंग आपको भी ये पावरफुल ट्रिक यूज करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, तो उनसे कभी भी डिसएग्री मत करो, यानी उन्हें सीधा ये मत कहो कि मैं तुमसे बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एंड MIT टैली शेरेट ने एक रिसर्च पब्लिश करी थी, जहां उन्होंने 42 वॉलंटियर्स यानी 42 लोगों के जोड़े बना के एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू गैस करने को कहा, जहां रियल टाइम में उनके ब्रेन को स्कैन करा जा रहा था। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग उस जगह की वैल्यू डिसाइड कर रहा था, लेकिन जब दोनों पार्टनर्स मिलके उसकी वैल्यूएशन यानी प्राइस डिसाइड करते हैं और जब वो सामने वाले के पर्सपेक्टिव के साथ अग्री करते हैं, तो उनके ब्रेन के कॉग्निटिव रिसेप्टिविटी और ओपननेस वाले रीजन चमक उठते थे। वहीं जब दोनों लोग एक दूसरे की बात से डिसएग्री करते थे, तो उनके ब्रेन के ये रीजन बंद हो जाते, जिसके बाद वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ मिलके वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन एक सोल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों का काम करती है। आप किसी भी रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म हेल्थ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि हर एक झगड़ा उस रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है या और खराब करता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो या लोगों से ना चाह के भी बहस या लड़ाई हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपनी बात को सामने वाले से डिसएग्री करके स्टार्ट मत करो। ये उनके ब्रेन को शट डाउन कर देगा और वो आपकी और बात नहीं सुन पाएंगे और नहीं सुनना चाहेंगे। फिर तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपका कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता ही जाएगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी। आप जब किसी से अग्री ना करो, तो ये कहने से अपनी बात स्टार्ट करो के देखो तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो भी बात आप बोलना चाहते हो वो बोल दो। नंबर 4 द स्टोरी बायस। इंग्लिश नॉवलिस्ट E.M. फॉस्टर की इन 2 कहानियों में से आपको कौन सी ज्यादा याद रहेगी? पहली, राजा मर गया और रानी भी मर गई, या दूसरी, राजा मर गया तो रानी भी दुख में मर गई? कमेंट करके बताओ ऑप्शन ए या बी। अब अगर आपने ऑप्शन बी चूज करा है, तो आप अकेले नहीं हो।
हम सब स्टोरी बायस का पार्ट है। यहाँ दोनों डेथ एक साथ नहीं होती, बल्कि असल में उसके बीच में एक गैप है जहाँ एक स्टोरी है, क्वीन का स्ट्रगल है, यानी स्टोरी ए एक फैक्चुअल रिपोर्ट है, वहीं स्टोरी बी के साथ एक मीनिंग और इमोशन जुड़ा है। इसी का फायदा उठा के एडवर्टीजमेंट्स ने इसे मास्टर कर लिया है। आजकल लोग अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स कम उसके पीछे की स्टोरी को ज्यादा बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑथर यूवल नोआ हरारी को देखिए, वो अपनी बुक सेपियंस की 28 मिलियन कॉपीज सेल करके मोस्ट सक्सेसफुल एंथ्रोपोलॉजी ऑथर ऑफ ऑल टाइम बन चुके हैं। हालांकि अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अपनी बुक में कोई नया ऐसे यूनिक आइडियाज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये खुद माना है कि उन्होंने इस बुक के लिए कोई नई रिसर्च तक नहीं करी। इनफैक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी, उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को एक मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग से समझाया, जिसका रिजल्ट इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। नंबर 5, परसेप्शन इज रियलिटी। क्या आपने कभी नोटिस करा है, कभी किसी एक काम में घंटों घंटों बीत जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वहीं आपको 15 मिनट कहीं बाहर खड़े होकर वेट करना पड़ जाए तो ये 15 मिनट कई घंटों के बराबर लगने लगते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा लगते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में टाइम को हम घंटों, मिनट्स और सेकंड्स में नापते हैं, जबकि हमारे मेंटल वर्ल्ड में टाइम ऐसे काम नहीं करता। ये टाइम मैनेजमेंट और अनसर्टेनिटी पे मैटर करता है। आप जितना ज्यादा किसी चीज में बिजी रहोगे, आपके माइंड से उतना ज्यादा टाइम का सेंस कम होता जाएगा। वहीं आपको टाइम की जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। इसे एक एग्जांपल से समझो। आपको पता है उबर और ओला जैसी कंपनीज आपका वेटिंग टाइम कम नहीं करती। पहले टैक्सी मिलने में आपको जितना टाइम लगता था, आज भी उतना ही लगता है। बस वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो आपको दिखाई देता है कि 5 या 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। इससे टाइम जल्दी कट जाता है। वहीं जब पता ही ना हो कि कितना टाइम लगेगा, इससे टाइम बहुत लंबा लगने लगता है। लिफ्ट में शीशे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग अपने आप को देखने में बिजी रहें और टाइम का पता ना चले। वेटिंग रूम में कस्टमर्स के लिए कुछ खेलने के लिए, पढ़ने के लिए रख दिया जाता है ताकि उन्हें वेट करना ज्यादा लंबा ना लगे। इसी प्रिंसिपल का यूज करके आप अपने टाइम की वैल्यू चेंज कर सकते हो। नंबर 6, द संक कॉस्ट फैलेसी। आपने अक्सर लोगों के बारे में सुना होगा कि किसी का एक समय में अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए वो और कर्ज पे कर्ज लेते गए और आगे चल के उनको वो बिजनेस तो बंद करना ही पड़ा और साथ में उनपे और ज्यादा कर्जा भी हो गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अब इतना पैसा तो लग गया है, शायद और पैसा लगाऊंगा तो अब मेरा पहले का लॉस रिकवर हो जाएगा। और क्योंकि उन्होंने उस बिजनेस में इतना टाइम, हार्ड वर्क और पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है, जिससे उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि अब उनका बिजनेस फेल होने लगा है। यही संक कॉस्ट फैलेसी है। अपने एक लॉस को रिकवर करने के लिए हम और लॉस करते जाते हैं, जो कि कई बार हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो जाता है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर बार बार आपको हर्ट करता है, फिर आके सॉरी बोल देता है। आपके दोस्त आपको सजेस्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप को एंड कर दे, बट आप कहते हो यार इतनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट कर दिया है इस रिलेशनशिप में, अब एंड करना कोई सलूशन नहीं है। यही संक कॉस्ट फैलेसी सबसे ज्यादा डेंजरस तब होती है जब आप अपना टाइम, पैसा और एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके होते हो, और ये जितना ज्यादा होता है इस फैलेसी में फंसने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। नंबर 7, द स्पेसिफिसिटी ट्रैप। इस कॉन्सेप्ट का यूज मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा करा जाता है। अगर किसी को माइग्रेन से सर दर्द है तो इसका रीजन वायरल इन्फेक्शन से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक भी हो सकता है, बट डॉक्टर सबसे पहले इसे वायरल इन्फेक्शन की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का बेस रेट ज्यादा होता है कम्पेयर टू ब्रेन ट्यूमर के। जब भी आप कुछ इवेल्युएट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप इस स्पेसिफिसिटी ट्रैप में ना फंसो। अगर इसे सिंपली समझा जाए तो बहुत सारे लोग इस ट्रैप का यूज करके झूठ बोलते हैं। वो अपने झूठ में बहुत ज्यादा बारीक बारीक डिटेलिंग ऐड करते हैं ताकि लोग उनकी बातों पे यकीन करें, जबकि अगर आप उनकी बातों से डिटेलिंग हटा दो तो उनका झूठ साफ साफ दिख जाएगा। अगर आपको ऐसे लोगों का झूठ पकड़ना है तो उन्हें और ज्यादा उस चीज से जुड़े क्वेश्चंस और डिटेल्स पूछते जाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको और उसको दोनों को ये पता लग जाएगा कि उसका झूठ पकड़ा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।